ये इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश कराची और उसके तीन करोड़ से ज्यादा के खिलाफ हो रही है और करने वाले कौन हैं पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और अब तो माशाल्लाह वहां से नून लीग का और उनके इतिहादियों का एक वफद आया हुआ है हमारे पाकिस्तान के लोगों के टैक्सों के पैसों से खसूस तैयारा करके माशाला तशरीफ लाए हैं और साजिश हो रही है कि किसी तरह बलद्यातीलैक्शन को मुलतवी किया जाए और हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर ये काम किया जाए जब बंदियां हो रही थी तो सब सो रहे थे जब इख्तियार छिन रहा था तो सब शरीक जुर्म थे और एम क्यू एम और पीपल्स पार्टी मिलकर कराची को खाती रही है और दोनों इतिहादी रहे दो हजार तेरह का एक्ट आया तो आप हुकूमत में शामिल थे और आप सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए आपको बंदियां याद आ रही हैं आपको पता है कि पब्लिक ओपिनियन के सर्वे क्या बता रहे हैं और एक मरतबा फिर शहर जमात इस्लामी को चाहता है कि वो आकर शहर का बलदयाती निजाम संभाले और इस बदतरीन शहर को कोई लीडरशिप मिले कोई आवाज उठाने वाला नहीं है रोज लोग जवान हमारे शहीद हो रहे हैं कोई पार्टी मैंडेट लेने वाली इस पर बात नहीं कर रही कोई कराची के लोगों के पानी बिजली और के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है अब जैसा तैसा भी इलेक्शन का मौका आया है तो तीन मरतबा इन झालिमों ने इसको मुलतवी कर दिया है और चौथी मरतबा भी यह साजिश कर रहे हैं इस वक्त तो ब्लावल हाउस में एक बड़ी गहरी साजिश हो रही है और मैं समझता हूं कि किसी सूरत कराची के अवाम को ये कबूल नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए हम इसकी बहुत भरपूर मुजाइमत करेंगे और आठ तारीख को तो हमने ऐलान कराची रखा ही है ऐसा ना हो कि उससे पहले ही हम गवर्नर हाउस पर जो इस वक्त तो साजिशों का सबसे बड़ा अड्डा है उस पर ही धरना लेकर बैठ जाए और इंतखब तक वहीं पर बैठे रहें इसलिए कराची के लोगों को इलेक्शन चाहिए साजिशें नहीं चाहिए कराची के लोगों को ऑनरशिप चाहिए कराची के लोग अब चाहते हैं कि उस क्यादत को मंतब करें जो जो उसके वोट को बेचे नहीं जो कराची को नजरअंदाज न करें कराची को ऑन करे इन शाह हम इस शहर की जंग लड़ते रहेंगे तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और पंद्रह जनवरी को हो